राकेश जी, कुर्मी वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी कुर्मी वोट बैंक के बड़े नेता माने जाते हैं और माना यह जा रहा है कि इस बार वो उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से दावा ठोक सकते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या वो चुनौती होंगे? देखिए, बीजेपी के लिए कोई चुनौती उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी हमारे पूर्व में बघेल जी यहाँ कह रहे थे मंच में, वो बात मैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट का काम, जितनी भी लोकसभा सीटें हम लोग हारे थे उनमें बूथ स्तर का काम हम लोगों ने पहले से पूर्ण कर लिया है और पूरी तरह से आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 प्लस का लक्ष्य है, इससे कम सीटें नहीं जीतने वाली है। यहाँ पर आप कह रहे हैं नीतीश जी अगर आ जाएंगे फूलपुर से या किसी सीट से तो उसका कोई फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर जनता जानती है पूरी तरह से मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का, योगी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का और उत्तर प्रदेश में 5 साल का पुराना विकास कार्य, जो इस समय भी हम नए नए तरीके से लगातार गरीब लोगों के साथ, जनता के साथ गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर उतर रहे हैं, तो उससे कहीं कोई फर्क होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भी देश में मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला प्रदेश होगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सचान जी, आपने नीतीश कुमार की जो चुनौती है उसे तो आपने नकार दिया, लेकिन क्या कांग्रेस कोई बड़ा चैलेंज दे रही है? कांग्रेस से तो आपका बड़ा निकट का रिश्ता रहा है, प्रियंका गांधी की आप एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रहे हैं, बहुत समय तक आप पार्टी में रहे हैं, तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं उसका प्रभाव आप कैसे देख रहे हैं? और प्रियंका गांधी, हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद बहुत कम उनका आना जाना उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनकी भूमिका को आप कैसे रेखांकित करेंगे? देखिए, हम लोग जब 19 में गठबंधन हुआ तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी से मैं मिला और उनसे, उन्होंने, उनकी चली नहीं, वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें और उन्होंने प्रयास भी किया कि गठबंधन की सीट, उन्होंने कहा भी कि अगर ये लड़ेंगे तो फतेहपुर गठबंधन की सीट जीतेंगे। बाद में मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि भाई टिकट की, तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, टिकट मिलेगा। बाद में जब टिकट नहीं हुआ तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चूंकि धरती से जुड़े नेता थे, हम लोगों ने बहुत दिन तक उनके साथ काम किया था। उन्होंने कहा कि नहीं तुम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, मैं आऊँगा मदद करने, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद भी मैं ये जिम्मेवारी से ये बात बोल रहा हूँ चूँकि, और इसके बाद मैं और सुखदा मिश्रा जी, आज वो भी हम लोग सेंट्रल हॉल में बैठे थे और वहाँ जब चर्चा हो रही थी तो उसी समय जब प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में सक्रिय हुई और एयरपोर्ट से लेकर के कार्यालय तक वो जब गई तो लगातार आपकी टीवी ने, जितना इलेक्ट्रॉनिक चैनल थे, इतना ज़्यादा दिखाया तो ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में कुछ बड़ा बदलाव होगा और हमारे जैसे दर्जनों लोग इसी कारण, सिंधिया जी आज हमारे साथ आ गए, सिंधिया जी हम लोगों को पकड़ के कांग्रेस ले गए और मैं कांग्रेस में गया, ऐसा लगता था कि प्रियंका जी आई हैं, एकदम यूथ का बदलाव हो जाएगा, कांग्रेस में बड़ा भूचाल आएगा, परिवर्तन होगा और लास्ट में वोट पड़ते पड़ते स्थिति 2-2 रह गई, या तो गठबंधन को वोट गया तो बीजेपी को गया और इसमें स्थिति ये बनी कि कांग्रेस अमेठी की भी सीट नहीं बचा पाई, केवल एक सीट वो जो बची, अगर वो भी सपा का गठबंधन नहीं होता तो हमारी समझ में वो भी सीट सोनिया जी को जीतना मुश्किल हो जाता। राकेश जी, मेरा इसमें बीच में एक सवाल बस छोटा सा ये है, आप कह रहे हैं कि मीडिया ने इतना कवरेज दिया, मानो कि कुछ बड़ा होने वाला है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, आप एडवाइजरी कमेटी में थे, आपने कौन सी एडवाइस दी थी जिसका पालन हुआ या नहीं हुआ और आप जब अंदर थे तो आपको क्या लगता था, क्या वो हवा अंदर भी थी? देखिए, जब हम लोग गए और समीक्षा बैठक भोईमऊ गेस्ट हाउस में हुई कि कैसे क्या चुनाव गड़बड़ हुआ, उसी समय हमने उनको बताया
और जो उनको एडवाइज दिया, जो राय दी, वो राय कभी भी ऊपर के नेताओं ने उसको सुना नहीं। नहीं, हम लोग जान रहे थे कि जो अगर नीचे से संघर्ष कोई शुरू होगा, नीचे से काम होगा, तभी पार्टी सर्वाइव करेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हम लोग बोलते रहे, कहते रहे, जैसा अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आजकल के जो नेता हैं वो ट्विटर पर, फेसबुक पर इतने लाइक आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं, उसी को वोट बैंक में बदल लेते हैं। इससे कांग्रेस भ्रमित बनी रही। हम लोग जब कोई बात कहते थे तो उनके जो थिंक टैंक सोचने वाले टीम थी वो ही बोलते कि ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये जो हम लोगों ने ये किया इसमें तो बड़ा बढ़िया चर्चा हो रही है, ये हो रहा है, इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने लाइक आ रहे हैं, इतना लोग पसंद कर रहे हैं। इन सब चक्करों में ये लोग लगे रहे और जो ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ जो सामने है कि बहुत बुरी स्थिति, बहुत बुरी पराजय विधानसभा में कांग्रेस को मिली और आने वाले दिनों में भी जैसा कह रही है तो कहीं कोई अंतर यहाँ पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।